रुक रुक के ना देख रुक रुक के रुक रुक के ना देख रुक रुक के देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। मेरी तबीयत तो बहुत खराब है, शुरू से खराब है, और मैं यहाँ हॉस्पिटल में आता जाता रहा हूँ और यहाँ डॉक्टर के हवाले होता रहा हूँ मैं, और अभी भी यही हालत है। आज सुबह मुझे डिस हुई और मैं ब्लैकआउट हो गया, मुझे फिर उठाकर यहाँ ले आए हैं। मुझे नहीं मालूम कि कैसे मैं उसके बाद क्या हुआ है। ये केस मेरी नज़र में बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि मैं तो गद्दारी छोड़े, मैंने तो इस मुल्क के लिए बहुत खिदमत सर अंजाम दिए हैं, जंगे लड़ा हुआ हूँ मैं, और मुल्क की खिदमत मैंने 10 साल की है, तो इसलिए मैं समझता हूँ बेबुनियाद है। अब यहाँ इस केस में मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, सुनवाई मेरी नहीं हो रही है। सिर्फ ये नहीं कि मुझे मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरा जो लॉयर है सलमान सफ्तर, उस तक को सुन नहीं रहे हैं। तो मेरी नज़र में ये बहुत ज़्यादती हो रही है, इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा है। अब वो कमीशन कहते हैं कि आत्या बनी है, वो कमीशन बेशक जहाँ तक मेरा ताल्लुक है वो बेशक इधर आए और मैं उनको स्टेटमेंट देने को तैयार हूँ, वो आए मुझे सुने और ख़ुद देखें मेरी तबीयत कैसी है, उसके बाद फैसला करें, और उस कमीशन की बात को कम अज़ कम कोर्ट में सुना जाए और मेरा लॉयर जो बोल रहा है उनको सुना जाए। उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। कई दिनों से बीमार चल रहे 76 साल के मुशर्रफ का ये दर्द हम आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की स्पेशल कोर्ट के जज ने कहा है कि अगर मुशर्रफ अपनी बीमारी की वजह से मारे जाते हैं तो उन्हें 3 दिन तक संसद के बाहर वाले चौक पर लटकाया जाए। 3 दिसंबर को ही फांसी की सजा पा चुके मुशर्रफ बीमारी का हवाला देकर फिलहाल दुबई में है, और इसी बीमारी का हवाला देकर मौत की सजा पाए मुशर्रफ कोर्ट की किसी सुनवाई में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। मेरी तबीयत तो बहुत ख़राब है, शुरू से ख़राब है, और मैं यहाँ हॉस्पिटल में आता जाता रहा हूँ और यहाँ डॉक्टर के हवाले होता रहा हूँ मैं, और अभी भी यही हालत है। आज सुबह मुझे डिस हुई और मैं ब्लैकआउट हो गया, मुझे फिर उठाकर यहाँ ले आए हैं। मुझे नहीं मालूम कि कैसे मैं उसके बाद क्या हुआ है। ये केस मेरी नज़र में बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि मैं तो गद्दारी छोड़े, मैंने तो इस मुल्क के लिए बहुत खिदमत सर अंजाम दिए हैं, जंगे लड़ा हुआ हूँ मैं, और मुल्क की खिदमत मैंने 10 साल की है, तो इसलिए मैं समझता हूँ बेबुनियाद है। अब यहाँ इस केस में मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, सुनवाई मेरी नहीं हो रही है। सिर्फ ये नहीं कि मुझे मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरा जो लॉयर है सलमान सफ्तर, उस तक को सुन नहीं रहे हैं। तो मेरी नज़र में ये बहुत ज़्यादती हो रही है, इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा है। अब वो कमीशन कहते हैं कि आत्या बनी है, वो कमीशन बेशक जहाँ तक मेरा ताल्लुक है वो बेशक इधर आए और मैं उनको स्टेटमेंट देने को तैयार हूँ, वो आए मुझे सुने और ख़ुद देखें मेरी तबीयत कैसी है, उसके बाद फैसला करें, और उस कमीशन की बात को कम अज़ कम कोर्ट में सुना जाए और मेरा लॉयर जो बोल रहा है उनको सुना जाए। उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी पाक की अदालत ने एक सीरियल किलर को सरेराह लटकाने और उसके शरीर के 100 से ज्यादा टुकड़े करने का आदेश सुनाया था, लेकिन किसी कारणवश ये सजा पूरी नहीं हो सकी। एक तरफ पाक की सेना इस सजा से नाखुश है, तो वहीं इमरान खान वाली पाक सरकार ने जज का दिमागी संतुलन हाथ में न होने की बात कहकर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की है।